आजर वीडियो रे आमे देखिबा भोजी स्टाइल फुलकोबी आलू मटर भजा। आपण घरे रेगुलर आलू फुलकोबी भजा निश्चय बनाउथिबे, किंतु आज मु आपनकु बनेकी देखेबी टिके अलगा प्रकार एवं पूरा नुआ स्वादरे एही भजा। नमस्कार, आपण समस्तंकु आम चैनल नाइस एंड टेस्टी को बहुत बहुत स्वागत। प्रथमे कढ़ाई रे 4 बड़ चम्मच सोरिष तेल नहीं जीवा। आपण याको रिफाइंड ऑयल रे भी बने पारिबे। एठी आमको 3 मीडियम साइज रो आलू दरकार, ताकु मु एही बळी भाबे मीडियम साइज रे काटि नै छी, ना अधिका मोटा ना अधिका पतला। आलू को भल भाबे धोई कि टिके पोछि नबा, ता परे कढ़ाई रे पकै नबा। अल्प टिके लुण देइ नबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम रखिकी आलू को आमे एपट सेपट करिकी गोल्डन ब्राउन हेबा जाय भाजी नबा। एठी देखंतु 3-4 मिनट परे एभली भाबे आलू आमर गोल्डन हे गलानी। एभली गोल्डन हे गले आमे आलू को बाहर करि नबा। माने एठी आमे आलू को 80% कुक करछुंती, ताटो अधिका कुक करिबानी। आलू बाहर करि नेला परे 300 ग्राम फुलकोबी नै जैछि, जहा को भल भाबे धोई कि टिके पोछि नै छि। कोबी को तेल रे पकै नेबा। एठी गैस को मीडियम टू हाई रखिकी आमे कोबी को भाजी नबा। कोबी देखंतु एभली भाबे मीडियम साइज करिकी काटि नेबे। 300 ग्राम कोबी बा मु एटी गोटी मीडियम साइज रो कोबी नै छि, ताकु धरिके आमे आवश्यक अनुसार एटी लुणो पकै नबा। एवं ओलोट पालोट करिकी कोबी को भी आमे हल्का गोल्डन हेबा जाय भाजी नबा। एठी कोबी को भाजिबा पई आमको 3-4 मिनट लागि पारे। 3-4 मिनट परे देखंतु कोबी एभली भाबे हे जिबा आवश्यक। एभली हे गले आमे कोबी को बाहर करि नबा। अधिका ब्राउन भी हेनी। एठी सेम आमर कोबी भी 80% सिझी गलानी। वर्तमान सब गुडा कोबी बाहर करि नबा। कोबी आउ आलू आमे भाजी के बाहर करि नेले, याको आमे गोटे प्लेट रे रखिबा। वर्तमान बळी जाइथिबा तेल रे आधा छोटो चम्मच सोरिष, आधा छोटो चम्मच जीरा, ए सब भल भाबे फुटी आसले सेथिरे दुटी कंचा लंका को मझीरो एमती फाळ करके पकै नबा। एठी गोटे छोटो चम्मच बा गोटे इंच अदा को भल भाबे एमती कोरी नबा और ताको पकै नबा। कंचा लंका और अदार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसे। आपण ये रेसीपी बिना पियाज रसुण रे बनई पारिबे, ताहले आपण खाली पियाज को स्किप करिबे। मु किंतु एठी पियाज व्यवहार करूछि। अदा टिके भाजी हे गले सेथिरे गोटे मीडियम साइज पियाज को एमती लंबा लंबा करी काटिके पकै नबा। अदा गिना मटर पकै नबा। पियाज भाजिबा समय रे मटर पकै नबा द्वारा हमको मटर सिझिबारे हेल्प हेइ थाए। एमिति कले मटर आ सिझेबा दरकार नाही। याको आमे घोडी कि मिनिमम 5 मिनट पई कुक करिबा। आपण चाहिले मझी रे थरे अधे खोली कि मिसे नै पारिबे। एठी लो फ्लेम रे पूरा 5 मिनट कुक करिबा द्वारा हमर मटर भी सिझि जिवो एवं पियाज भी भल भाबे गोल्डन ब्राउन हे जिवो। 5 मिनट पूरा कुक हे सलानी। एठी देखंथु पियाज एभली भाबे गोल्डन हे जाइछि। एबे भल भाबे मिसै नबा। सेथिरे गोटे बड़ साइज रो टमाटो को ग्राइंड करिके पकै नबा। टमाटो भल भाबे मिसैबा आ टमाटो जल्दी कुक खावा पई आमे आवश्यक अनुसार लुण दे नबा। लुण आमे आलू आ कोबी रे देइथिले, ताकु देखिकि आमे एठी लुण देबा। लुण भल भाबे मिसै नबा एवं याको आमे घोडे कि 2-3 मिनट पई मीडियम फ्लेम रे कुक करिबा, जहाद्वारा टमाटो टिके भल भाबे कसी हे जिवो। एठी देखंतु टमाटो भल भाबे कसी हे सलानी। पुणी मिसै नउछि। एबे सेथिरे पकेबा आधा छोटो चम्मच हळदी गुंड, आवश्यक अनुसार लंका गुंड एवं गोटे छोटो चम्मच धनिया पाउडर। सबु किछि भल भाबे मिसै नबा एवं मसला जळी न जिवो, सेथि पई सेथिरे अल्प टिके पानी दे नउछि। ताको पुणी आमे मिसै कि कसी नबा। मसला एभली भाबे मिसी गला परे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच कसूरी मेथी को पकै नबा एवं पुणी मिसेबा। ए स्टेज रे कसूरी मेथी पकेबा द्वारा एही रेसिपी रे फ्लेवर बहुत भलो आसी थाए। कसूरी मेथी एठी गोटे मिनट एमती टिके भाजी नेला परे सेथिरे मु आउ अधा गिना पानी देइ नउछि। सबु किछि पुणी भल भाबे मिसै नबा। फाइनली हमर मसला रेडी अछि। एबे आमे गैस को लो फ्लेम करिबा एवं छाणी के रखिथिबा कोबी आ आलू पकै नबा। एठी आलू एवं कोबी रे हमर लुण भी पड़ी जाइछि एवं एही सब हमर 80% कुक अछि। ताकु धरि कि आपण को आवश्यक हेले आउ टिके लुण देइ परिबे। एवं एठी आमे हल्का हाथ रे ध्यान देकि भल भाबे सब किछि मिसै नबा।
ମିଶେଇବା ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ତାର ଭିତର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିନେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କାଟିକି ପକେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ପକେଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ପୁଣି ମିଶେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ଏଠି ଆପଣ ମଝିରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଥରେ ଖୋଲିକି ଥରେ ହାଲକା ହାତରେ ମିଶେଇ ନେଇପାରିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଥରେ ମିଶେଇ ନେଉଛି। ଟୋଟାଲି 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା, ତ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଆମର 5 ମିନିଟ୍ର କୁକିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି। କଭର୍ ବାହାର କରିନେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ମିଶେଇବା। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ନେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର କୋବି, ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ଭଜା ରେଡ଼ି ଅଛି। ପୁରା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ବି ଖୁବ୍ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।